हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज फिर से यूपीपीएससी और यूपीएससी मेंस 2019 के लिए एथिक्स पेपर 4, जो कि जीएस का पेपर 4 है, सत्य निष्ठा आज हम लेकर आए हैं। इसका पार्ट 1 करेंगे। बहुत दिनों से एथिक्स की वीडियोस नहीं आ रही थी, लेकिन अब वीडियोस रेगुलरली अपलोड होंगी और आप लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इससे पहले हम लोगों ने किया था कि प्रशासन में बुनियादी मूल्य क्या होते हैं, उसके हमने पार्ट्स कर लिए थे पूरे। आज से हम शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक सत्य निष्ठा, जिसे इंटीग्रिटी भी कहते हैं। इसका हम पार्ट 1 करेंगे। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं एथिक्स, जो कि सबसे इजी वे में पढ़ाएंगे। और इससे इजी वे में मैं श्योरिटी देती हूँ कि कहीं भी नहीं आपको मिलेगा इंटीग्रिटी पढ़ने को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि सत्य निष्ठा मीन्स इंटीग्रिटी में हम लोग क्या क्या देखेंगे। आप लोगों के पास यहाँ पर सिलेबस है यूपीपीएससी मेंस का और यूपीएससी मेंस, दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम टू सेम है। तो हम जो बच्चे यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो इसे यूपीएससी के रूप में भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, ये हमने पहले कर लिया है पूरा टॉपिक। आप अपने प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पर देख सकते हैं। और ये अंतःवस्तु, ये संरचना, ये सारा हम लोग ये पॉइंट पूरा, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, ये पूरा कर चुके हैं। आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जीएस पेपर 4 मेंस लिखा हुआ है, वहाँ से आप लोग ये पूरा टॉपिक देख सकते हैं। इस सेकंड टॉपिक का भी फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर सत्य निष्ठा की, इसके बारे में पूरा देखेंगे क्या होता है ये और इसकी अवधारणा क्या है, इसके बारे में सारी चीज़ें देखेंगे, जिसे इंग्लिश में हम इंटीग्रिटी भी कहते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले इसकी अवधारणा, मतलब ये होता क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, कौन कौन से हैं, व्यक्तिगत जीवन में इसके लाभ क्या होते हैं इंटीग्रिटी के, प्रशासन में इसका क्या लाभ पाया जाता है, इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। अगर एग्जाम में आया कि उदाहरण सहित सत्य निष्ठा को बताइए, तो आप क्या लिख सकते हैं, सत्य निष्ठा का हमारे जीवन में महत्व क्या होता है, और किसी लोक प्रशासन के या फिर व्यक्तिगत जीवन में सत्य निष्ठा बढ़ाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में हम पूरा ये 7 टॉपिक्स में डिवाइड किया है मैंने ये पूरा टॉपिक। तो इसके ये जो 7 सब टॉपिक्स हैं, इसको हम लोग देखेंगे, 2-3 वीडियोस में ये कवर होगा, क्योंकि काफ़ी लेंथी टॉपिक है। तो लेकिन इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना, सब इसमें कवर हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और, जो भी उदाहरण देंगे मैं यहाँ जो बताऊँगी वो तो है ही, प्लस आप इसे समझ के अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मौलिक एग्जाम्पल होते हैं वही प्रेफर किया जाएगा। जितने अच्छे मार्क्स आप अपने शब्दों में लिखकर और मौलिक एग्जाम्पल से पा सकते हैं, उतना बुकिश लैंग्वेज से बिल्कुल नहीं पा सकते। चलिए आगे देखते हैं हम इसकी अवधारणा। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटीग्रिटी होती क्या है। यहाँ पर आपके सामने एक पिक्चर दिखाई गई है, तो इंटीग्रिटी होती क्या है उसके बारे में मैं पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी आपको। जैसे कि एक ये आपको ये आदमी दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए एक लोक प्रशासक है एक। अब इसके सामने दो चॉइस है, इसे कुछ पेपर्स पास करने हैं या फिर कोई इसके पास डील आई है उसको इसको करना है, पास करना है या जो भी आगे करना है। अब इसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये अपने मन से नैतिकता का काम करे, गुड गवर्नेंस के रूप में, कि जो वो काम करे, जैसे मान लीजिए एक सड़क बनाने का डील पास करनी है, ऐसे इसको किसी को देना है ठेका उस चीज़ का सड़क बनाने के लिए। अब या तो वो उस आदमी को डील दे जो पूरी तरह से ईमानदार हो, निष्पक्ष हो, जो जो मटेरियल यूज़ करे वो बहुत अच्छा करे, मतलब कि जो भी वो काम करे उसमें बिल्कुल भी कोई भी गलती ना हो। या फिर इसके पास दूसरा ऑप्शन है कि वो उस आदमी को वो डील दे जो उसे पैसे दे, जिससे उसका आर्थिक फ़ायदा हो। अब इसके पास दो ऑप्शन है इस चीज़ के लिए। तो अब यहाँ पर इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मीन्स जैसे नाम से आपको पता चलता है सत्य निष्ठा,
सत्य के प्रति निष्ठा रखना। अब यहाँ नैतिकता क्या होनी चाहिए? नैतिकता तो यही होनी चाहिए जो अच्छा काम करे, जिसकी डील में दम हो, जो जनता के हित में हो, वो हमें प्रेफर करना चाहिए, जो गुड गवर्नेंस के लिए हो। यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं चूज करना चाहिए, नैतिकता ये कहती है। मैं नैतिकता के आधार पर ये बात कर रही हूँ। करप्शन बिल्कुल नहीं, चाहे कितने भी पैसे मिले लेकिन जनता का हित सर्वोपरि यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर ये व्यक्ति जिस हिसाब से सोचेगा वो उसकी इंटीग्रिटी पर डिपेंड करेगी। मीन्स जो हमारे पास नैतिक आधार होते हैं और व्यक्ति की आंतरिक जो इच्छाएं होती हैं, उन दोनों में जो सुसंगति होती है, उन दोनों में इंटीग्रिटी जो होती है, उसे ही हम लोग सत्य निष्ठा कहते हैं। उन दोनों में जुड़ाव जो होता है, मान लीजिए अगर वो इंटीग्रिटी के थ्रू काम करके सत्य निष्ठा पर जाता है और इसको दे देता है, तो वो सत्यनिष्ठ व्यक्ति कहलाएगा, वो जनता के हित में व्यक्ति कहलाएगा। अगर वो करप्शन के थ्रू काम करता है, मींस रिश्वत लेके और फिर डील देता है, तब वो सत्यनिष्ठ नहीं कहलाएगा। तो आपको ये इससे समझ में आ गया होगा कि व्यक्ति के दिमाग में दो चीज़ें चलती हैं, क्या मैं सही की तरफ जाऊँ या मैं गलत की तरफ जाऊँ। तो सत्यनिष्ठा वही होती है जो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं और हमारे मन में जो चीज़ें चल रही होती हैं, उन दोनों में आंतरिक सुसंगति अगर होती है तो व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है, और आंतरिक सुसंगति नहीं होती तो व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं होता। होप आपको इससे ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ। यह आपको दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पर गनमैन है यहाँ पर, और इसने इसे बंदी बना के रखा हुआ है। अब मैं ये थोड़ा सा जोक टाइप में आपको बताना चाहती हूँ कि ये बोल रहा है इसे कि आप दो और दो बोलो पाँच होता है, लेकिन ये बोल रहा है दो और दो चार होता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सत्यनिष्ठा कहाँ से, जैसे कि एक्चुअल में तो दो और दो चार ही होता है, लेकिन यहाँ करप्शन मतलब कि दो और दो इसने कहा पाँच कहने को बोल रहा है ये। तो अब इसके अंदर आंतरिक सुसंगति नहीं हो रही है, मींस कि नैतिकता कुछ और है, मतलब कि दो और दो सत्य कुछ और दो चार ही होता है, लेकिन किसी विवशता में आकर दो और दो अगर ये पाँच बोलता है तो यहाँ समझौता किया जा सकता है, क्योंकि इसकी जान से बढ़कर सत्यनिष्ठा नहीं है। तो यहाँ पर लेकिन इससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नैतिकता क्या है और व्यक्ति की दुविधा क्या है। लेकिन यहाँ पर हम इस व्यक्ति को चाहे कितना भी अगर ये पाँच बोलता है तो हम इसे सत्यनिष्ठ नहीं कहेंगे, और अगर ये चार बोल के अपनी जान दे देता है तो इसे सत्यनिष्ठ कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो भी एक्चुअल में चीज़ें हैं, जो सत्य चीज़ें हैं, वही अपने दिल में मानना और वही वैसा ही व्यवहार करना, वैसा ही आचरण करना व्यक्ति को सत्यनिष्ठ बनाता है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए हम इसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं कि एक्चुअल में हम इसे लिखेंगे कैसे। तो जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया कि नैतिक सिद्धांत और व्यवहार में आंतरिक सुसंगति होना, मीन्स कि नैतिक सिद्धांत क्या कहते हैं, मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ आपके डेली जीवन से रिलेटेड। जैसे कि आपको किसी दूसरे, अगर कोई दूसरा आपकी बुराई करता है, आप किसी से सुनते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप उसको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, उस इंसान को जो आपकी बुराई करता है पीठ पीछे, आपके सामने नहीं पीठ पीछे, अगर आपको कहीं से पता चल जाता है तो। लेकिन तो आपके अंदर ये नैतिकता हुई ना कि किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन यही चीज़ अगर आप करते हैं तो इसमें यह होता है कि आपको फिर उसी नैतिक मूल्य पर आपको भी रहना चाहिए था। आपको अपनी बुराई सुनना तो पसंद नहीं है लेकिन आप दूसरों की कर सकते हैं, तो ये नैतिकता नहीं हुई, ये सत्यनिष्ठा नहीं हुई, क्योंकि नैतिकता कहती है कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। आप किसी की अपनी बुराई तो नहीं सुन सकते हैं लेकिन दूसरों की बुराई करते हैं, तो ये बिल्कुल भी नैतिकता के अंतर्गत नहीं आता, सत्यनिष्ठा के अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ पर नैतिक सिद्धांत जो भी हमारे पुराने ज़माने में या आज या
हम कहेंगे प्रशासन में जो भी नैतिक सिद्धांत हैं और जो एक प्रशासनिक अधिकारी का व्यवहार है, उन दोनों में अगर सुसंगति होती है, वो दोनों मैच करते हैं, तो सत्यनिष्ठा होती है। और अगर वो दोनों मैच नहीं करते हैं तो सत्यनिष्ठा वहाँ पर नहीं पाई जाएगी। यहाँ पर एक कांट, दार्शनिक कांट है, उनका मैं थॉट कोट करना चाहती हूँ। उसने लिखा है, मुझे किसी नियम का उल्लंघन करने का हक तभी है जब मैं ये कह सकूं कि जैसी स्थिति में मैं हूं, ऐसी स्थिति में नियम का उल्लंघन करना भी नियम माना जा सकता है। जैसे कि लास्ट पिक्चर में आपने देखा कि वहां पर गन के आगे रहकर उसे 2 और 2 5 बोलना था, तो वहां पर यहाँ कांट का ये दर्शन फिट होता है। लेकिन हाँ, अगर हम नॉर्मल मायने में देखें तो उसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति नहीं कहा जाएगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना सामने हो, लेकिन वो सत्यनिष्ठ नहीं कहा जाएगा। तो होप आपको इंटीग्रिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इंटीग्रिटी के प्रकार देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं सत्यनिष्ठा के। तो एक सत्यनिष्ठा बहुत एक लिमिटेड शब्द तो नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा व्यापक शब्द है। तो इसको जो हम परिभाषित करेंगे तो अलग अलग क्षेत्र में इंटीग्रिटी होती है, जैसे कि प्रशासन के क्षेत्र में अलग होगी, कला के क्षेत्र में अलग होगी, एक पर्सनल इंटीग्रिटी अलग होती है, तो हर एक क्षेत्र में अलग अलग। तो यहाँ हम कुछ प्रकारों की यहाँ बात करेंगे, अगर एग्जाम में आएगा तो आप इतना लिख के अपना आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्धिक सत्यनिष्ठा की। तो बौद्धिक सत्यनिष्ठा के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं कि इंसान को अपना मूल्यांकन उन्हीं प्रतिमानों पर उतनी ही कठोरता से करना चाहिए जिन पर हम किसी और का मूल्यांकन करते हैं। मतलब कि किसी और के लिए और हमारे लिए वैल्यू सेम होने चाहिए। अगर हमें ईमानदारी पसंद है दूसरों के अंदर, तो वो चीज़ हमारे अंदर भी होनी चाहिए। अगर हमें पसंद है कि हम करप्शन ना करें, दूसरों के लिए अंदर पसंद है कि जैसे कि हम लोग कहते हैं कि समाज में करप्शन नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ हमें अपने अंदर भी लानी चाहिए। अगर वो चीज़ हमारे अंदर भी है और समाज में भी होनी चाहिए, तो उसे हम बौद्धिक सत्यनिष्ठा कहेंगे। इसी में एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति पीठ पीछे किसी और के बारे में गलत बोलता है या कहता है किसी को, तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति पर नाराज नहीं होना चाहिए जो उसके बारे में पीठ पीछे गलत बोलता है, जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया। तो इसे कहते हैं यहाँ पर बौद्धिक सत्यनिष्ठा, अपने सिद्धांतों और व्यवहारों पर गहराई से विचार करके उन असंगतियों या अंतः विरोधों की खोज करना जो हमारे अंदर ऐसे बैठे हुए हैं, जो गलत धारणाएं हैं, जो हमारे सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाते हैं, और जहां तक संभव हो ऐसी असंगतियों को समाप्त करना ही सत्यनिष्ठा, यहाँ पर बौद्धिक सत्यनिष्ठा कहलाती है। सेकंड हम बात करेंगे व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा। यहाँ बौद्धिक सत्यनिष्ठा की बात करने के बाद हम लोग एक और इसमें टॉपिक देखेंगे, बौद्धिक पाखंड। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि बौद्धिक पाखंड क्या होता है, ये आप समझाइए या इसकी डेफिनेशन बताइए। तो बौद्धिक पाखंड का अर्थ होता है कि अपने लिए अलग तथा दूसरों के लिए अलग नैतिक मानदंड रखना तथा अपने अंतर विरोधों के प्रति लापरवाह रहना या उन्हें जानबूझकर नज़रअंदाज करना, इसे कहते हैं बौद्धिक पाखंड। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम अपने लिए तो कहते हैं कि दूसरों के लिए अगर हम कहते हैं कि करप्शन नहीं करना चाहिए या ईमानदार होना चाहिए उन्हें, तो वो अपने लिए ना रखना। अगर हमें कहीं से कुछ पैसे मिलते हैं किसी काम को, तो वो रख लेना, वो गलत है, उसे कहेंगे बौद्धिक पाखंड। क्योंकि दूसरों के लिए अलग मानदंड रखना, अपने लिए अलग मानदंड रखना, इसे कहा जाता है बौद्धिक पाखंड। इसके एग्जाम्पल आपको डेली लाइफ में बहुत सारे मिल जाएंगे। सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा। इसमें सेम वही जो हमने सत्यनिष्ठा के बारे में बात की थी कि व्यक्तिगत जो नैतिक सिद्धांत होते हैं और आचरण जो होता है व्यक्ति का, व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांत बहुत सारे होते हैं,
कि बड़ों के पैर छूने चाहिए नॉर्मली कहा जाता है। अब ये कोई माने नहीं माने वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे नॉर्मली समाज में ये चीज़ें चलती हैं। और जैसे कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांत व आचरण जो एक पर्टिकुलर एक पर्सन का जो बिहेवियर होता है उसके बीच सुसंगति बनाए रखना। तो व्यक्तिगत का मतलब कि इंसान के पूरे जीवन से संबंधित है, ये किसी विशेष पर्टिकुलर किसी क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये व्यक्तिगत है, एक इंसान के पूरे जीवन से संबंधित व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा होती है। थर्ड पॉइंट है व्यावसायिक सत्यनिष्ठा। व्यावसायिक सत्यनिष्ठा जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि अपने व्यवसाय से जुड़े उन नैतिक सिद्धांतों का पालन करना जो उस व्यवसाय की आचार संहिता में शामिल हो। जैसे कि एक प्रशासनिक अधिकारी की आचार संहिता अलग होती है, एक वकील की आचार संहिता अलग होती है, हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की नर्सेज की आचार संहिता अलग होती है, तो सबकी अलग-अलग होती है। इसमें मैं एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे वकील की अपने मुवक्किल की पूरी सहायता करना नैतिकता या फिर व्यावसायिक सत्यनिष्ठा कहलाती है, और किसी दूसरे पक्ष के वकील से साठगांठ ना करना ये सत्यनिष्ठा कहलाती है। अगर वो साठगांठ होती है तो अनैतिकता या सत्यनिष्ठा के दायरे में नहीं आएगा। अगर व्यावसायिक नैतिकता व सामाजिक नैतिकता में गहरा अंतर्विरोध हो तो नैतिक संकट उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में सामाजिक नैतिकता का पालन करना चाहिए, हमें समाज को सर्वोपरि रखना पड़ेगा। यदि अस्पताल चिकित्सक से अनावश्यक तौर पर मरीज की सर्जरी करने को कहे तो आचरण संहिता के इस नियम का पालन नहीं करना चाहिए कि कनिष्ठ चिकित्सक वरिष्ठ चिकित्सक के निर्देशों का पालन करेंगे। मीन्स इसमें सेम है, अगर मान लीजिए कोई एक केस आ रहा है सर्जरी का हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर एक डॉक्टर है जो कि सीनियर है और एक जूनियर डॉक्टर है, तो सीनियर डॉक्टर पैसे कमाने के लिए जूनियर डॉक्टर को ऑर्डर देता है कि आप इसकी सर्जरी कर दो और इसके जो फैमिली है उससे बहुत ज़्यादा पैसा ले लो। यहाँ जूनियर डॉक्टर को यहाँ पर पता है कि इसको सर्जरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर इसे अच्छे से दवाइयाँ दे देंगे तो भी ये ठीक हो जाएगा, तो पैसे फालतू में वेस्ट करने की इसके फैमिली से ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि हमें फिर यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट पे ध्यान देना होगा कि जो चीज़ सही है, सही ये है कि दवाइयों से अगर मरीज ठीक हो सकता है तो फिर उसकी सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर को ये कह सकता है कि जो चीज़ सही है वो सही है और सत्यनिष्ठा पर रहकर यहाँ काम किया जा सकता है। तो आपको ये व्यावसायिक सत्यनिष्ठा अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कलाकार की सत्यनिष्ठा। कलाकार को वही बात करनी चाहिए जो वो सचमुच में सोचता हो। किसी आर्थिक लाभ या अन्य प्रकार के दबाव में आकर इसे कोई भी गलत बात व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कलाकार होता है वो समाज का आईना होता है और समाज उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनता है। इसलिए उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो झूठ का प्रचार प्रसार ना करे। इसका एक लास्ट पॉइंट है ब्रांड सत्यनिष्ठा। किसी ब्रांड का अपनी छवि को सुसंगत बनाए रखने, जैसे कि विज्ञापन का प्राय एक जैसा होना, बाजार संबंधी नीतियों में समरूपता आदि ब्रांड सत्यनिष्ठा के अंतर्गत आती है। जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का ऐड दे दिया, तो आज ऐड में कुछ और बताया, 2 महीने बाद उस ऐड में कुछ और बताया, 3 महीने बाद उस ऐड में कुछ और बताया, तो वो चीज़ें फिर वो सत्यनिष्ठा के अंतर्गत नहीं आएंगी, वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, मतलब कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो ब्रांड सत्यनिष्ठा के अंदर होता है कि जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें हकीकत में हैं, जो बाजार के नियमों के अनुकूल हैं, उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट इंटीग्रिटी के प्रकार के ख़त्म होते हैं। तो होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी अच्छे से। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगी। और ये हमारा ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर भी आप अपने कोई भी सवाल हो, कोई हमसे बात करना चाहता हो, तो हमारे ईमेल एड्रेस पे ज़रूर मेल करें। तो हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।